So hey there, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Krish on the Go. Hope you guys are doing absolutely fine. So आज बहुत दिनों के बाद almost 7 days के बाद मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था और इसीलिए मैंने किसी भी तरह का वीडियो रिलीज़ नहीं किया. वीडियो कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई स्टोरीज नहीं, कुछ भी नहीं. मैं एकदम ही रेस्ट में था. सो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ और कोई बाइक राइड या मोटर ब्लॉगिंग वीडियो नहीं होगा क्योंकि मेरा तबीयत अभी भी ठीक ठाक नहीं है. मैं अभी भी थोड़ा बहुत वीक हूँ. बट यही इसी टाइम में मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया था. सो उसी के ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊँगा. सो ये रहा प्रोडक्ट. एज यू कैन सी दिस इज़ द शिबा ऑल इन वन लिक्विड पॉलिश. सो ये प्रोडक्ट मैं बहुत दिनों से देख रहा था. मेरा एक कज़िन भी यूज़ कर रहा था ये प्रोडक्ट. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. इससे आप पूरा जो बाइक है, ओवरऑल बाइक या कार आपका जो भी हो, उसको आप पॉलिश कर सकते हो एंड टॉप टू बॉटम पॉलिश कर सकते हो. सो इसके साथ आपको एक एप्लीकेटर भी मिलता है, एक स्पंज का एप्लीकेटर भी मिलता है. सो इसी के हेल्प से आप बाइक या कार इसे पॉलिश कर सकते हो. सो जब लास्ट टाइम मैं बाइक यूज़ किया था, मैंने बाइक को वॉश करके मैंने गैरेज पर रखा था, वहीं पर खड़ा है बाइक. सो आज मैंने सोचा कि चलो बाइक को पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाते हैं. और इस प्रोडक्ट से पॉलिश करने से बाइक का जो शाइन है वो मेंटेन रहता है और उसके साथ जो मैट फिनिश का बाइक है मेरा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि मैट फिनिश के लिए कौन सा पॉलिश अच्छा है. तो ये मैट फिनिश के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि मेरा जो कज़न का बाइक है वो भी मैट फिनिश का है और वो बहुत दिनों से यूज़ कर रहा है. बट बाइक का जो शाइन है वो इंटैक्ट है, जो मैट फिनिश है वो भी ठीक ठाक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया है अभी तक. सो चलो ये यूज़ करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं बाइक पे कि कैसा रिजल्ट देता है. बट उससे पहले 7 डेज तक मैंने वीडियो रिलीज़ नहीं किया, इसके लिए सॉरी. और इतने दिन तक मुझे सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए क्योंकि कुछ ट्रिप के प्लान हो रहा है अभी. आफ्टर 10th या 12th दिसंबर के बाद कुछ ट्रिप का प्लान हो रहा है. बहुत मज़ा आएगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो भी रिलीज़ होगा. सो चलिए इसे अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये कैसा इफेक्ट देता है बाइक पे. सो लेट्स गो. तो हे गाइस, मैं अभी गैरेज पे हूँ. यह रहा मेरा बाइक और यहाँ पे थोड़ा बहुत आउटसाइड का नॉइज़ आ सकता है. सो डील विद दैट. अभी जो बाइक है, बाइक का जो बॉडी पार्ट है, जो मैट फिनिश, ये जो यामा का FZS है, यहाँ पर जो ये आपको मैट फिनिश मिलता है और ये बॉडी कलर मिलता है, इस कलर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है. तो यहाँ पर शाइन ऑलमोस्ट ऑलरेडी मेंटेन्ड है. बट अगर आप ये पॉलिश यूज़ करोगे तो उससे शाइन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये पार्ट पे. ये जो पार्ट होता है ना, पीछे का जो हगर होता है, ये हगर का पार्ट, ये साइलेंसर, ये जो प्लास्टिक का जो पार्ट है, ये सब पार्ट पे नॉर्मली जो शाइन होता है वो शाइन चला जाता है टाइम बाय टाइम. आप जितना भी मेंटेन करो आपका जो शाइन है वो चला जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा बहुत स्क्रैचेस भी है मेरे बाइक पे. और इसका जो एकदम शोरूम से निकालने के बाद जो ब्लैक जो लुक आता है ना, वो चला जाता है थोड़ा बहुत. दिन के दिन ये फेड हो जाता है. तो इन सभी को पॉलिश करना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल. और अगर आप ओवरऑल बाइक को भी पॉलिश करोगे उसके साथ साथ, तो बाइक का जो ओवरऑल लुक है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि बहुत सारा पार्ट है बाइक में जो कि पॉलिश करना ज़रूरी है. लाइक ये जो पार्ट है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी जमता है और बाइक का जो शाइन है वो शाइन चला जाता है. सो ओवरऑल बाइक को हम पॉलिश करेंगे. और उसके साथ ये जो इंजन पार्ट है, ये इंजन पार्ट भी आपको पॉलिश करना चाहिए. ये इंजन पार्ट भी आप पॉलिश कर सकते हो इस पॉलिश के मदद से. और व्हील्स का जो एलॉय है वो भी पॉलिश होगा. सो ओवरऑल सब कुछ पॉलिश कर सकते हो आप इस पॉलिश के मदद से. और बट बिफोर स्टार्टिंग द पॉलिशिंग प्रोसेस, पॉलिश करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका बाइक एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए. लाइक बाइक पे किसी तरह का डस्ट या जो मिट्टी होता है, धूल होता है, वो नहीं रहना चाहिए. बाइक को प्रॉपरली क्लीन वॉश करके देन आप पॉलिश कीजिए. और अगर आप पक्का बाइक वॉश्ड हो तो मेक श्योर कि बाइक के ऊपर धूल मिट्टी नहीं है. सो आप अच्छे से बाइक को पहले एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से आप पहले बाइक को पूरा क्लीन कर लीजिए, देन आप पॉलिश अप्लाई कीजिए. क्योंकि धूल मिट्टी के ऊपर अगर आप पॉलिश अप्लाई करोगे तो पॉलिश ठीक ठाक से अप्लाई नहीं होगा. प्लस बाइक पे थोड़ा बहुत स्क्रैचेस भी आ सकता है, जो हेयरलाइन स्क्रैचेस आप कह सकते हो. सो चलिए पहले बाइक को थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं पहले,
क्योंकि मेरा बाइक ऑलरेडी वॉश्ड है, तब देख सकते हो ऑलरेडी वॉश्ड है, बट गैरेज में है। पिछले 7 दिनों से ये गैरेज में ऐसे ही बैठा है, सो इसलिए थोड़ा बहुत धूल जमा है इसके ऊपर। सो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, देन पॉलिश करेंगे बाइक को। लेट्स गो। अभी तो देख सकते हो मैंने बाइक को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। लेजी मत बनिए पोंछने के टाइम पे, क्योंकि बाइक पे किसी भी तरह का धूल नहीं होना चाहिए। ऑयल अप्लाइंग द पॉलिश, सब देख सकते हो बाइक एकदम क्लीन है, किसी भी तरह का धूल मिट्टी नहीं है। सभी जगह मैंने पोंछ लिया है, इवन द व्हील्स एंड जो इंजन का पार्ट है, सभी जगह मैंने ठीक ठाक से पोंछ लिया है। सो अभी हम अप्लाई करेंगे पॉलिश। तो सबसे पहले इस पार्ट पर अप्लाई करते हैं। सो इसके साथ आपको एक स्पॉन्ज का एप्लीकेटर मिलता है, एज यू कैन सी। सो इसी एप्लीकेटर के हेल्प से आपको इसे अप्लाई करना होगा। सो अप्लाई करना वेरी इजी है, जस्ट स्पॉन्ज पे थोड़ा सा क्रीम लेना पड़ेगा, देन उसे डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिश ले लेते हैं हम, तो ऐसे थोड़ा सा पॉलिश लेना पड़ेगा, देन आपको डायरेक्टली जो पार्ट है वहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो लेट्स अप्लाई। आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, उससे थोड़ा सा कम भी लेता तो हो जाता, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे कलर चेंज हो रहा है ऑलरेडी, नया जैसा शाइन आ रहा है। ओके, सो यू कैन सी द रिजल्ट, आप रिजल्ट देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। तो आपको पहले एप्लीकेटर पे पॉलिश लेना होगा, देन उसे अप्लाई करना होगा पूरे जो पार्ट पे, देन थोड़ी देर सुखाना पड़ेगा, जो पॉलिश है उसे बैठने का टाइम देना पड़ेगा, दो तीन मिनट हो चुका है। और उसके बाद आपको एक क्लीन क्लोथ लेना पड़ेगा, माइक्रो फाइबर हो या एकदम क्लीन एकदम नरम कोई क्लोथ लेना पड़ेगा, देन उससे ये रब करना पड़ेगा। जस्ट एक गुड रब दे दीजिए जो पार्ट पे आप पॉलिश किया है आपने, बस एंड यू आर रेडी टू गो। आपको बिफोर आफ्टर दिखा दूंगा वीडियो पे। तो जो यही है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द पॉलिश, यू कैन सी दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो चलिए अभी टोटल जो बाइक है वहाँ पर ये पॉलिश अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको रिजल्ट देते हैं। ओके गाइस, मैंने ऑलमोस्ट पूरी बाइक को पॉलिश कर लिया है, थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है अभी तक, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए इतनी डिटेल से मैंने पॉलिश नहीं कर पाया, बट ओवरऑल मैंने पॉलिश कर लिया है। लाइक ये जो पार्ट है एज यू कैन सी, ये पार्ट को मैंने पॉलिश किया है और ये बहुत ही ज़्यादा शाइनी लग रहा है, लाइक द न्यू बाइक। और इस पार्ट को भी मैंने पॉलिश किया है, बॉडी पार्ट को भी मैंने पॉलिश किया है। आप देख सकते हो ये जो पार्ट है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा फेड होता है,
ये पार्ट को भी मैंने पॉलिश किया है, ये सभी पार्ट को मैंने पॉलिश किया है। और ये रहा टैंक का पोर्शन, एज यू कैन सी ये कितना शाइनी लग रहा है। सो इस सभी को मैंने पॉलिश किया है। और आप यहाँ पे एक चेंज देख सकते हो, यहाँ पर जो ब्लू कोर का स्टिकर है वो मेरा कहीं पर निकल गया था। यहाँ पर एक स्पॉट था जहाँ पर एक वाइटिश टाइप का एक स्पॉट हो गया था, बट अभी आप देख सकते हो ये ग्लॉसी हो चुका है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं स्पॉट। और ओवरऑल ऐसे बाइक शाइन कर रहा है, एज यू कैन सी। यप, ओवरऑल ये जो पार्ट है, ये सभी पार्ट में मैंने पॉलिश अप्लाई किया है। आप साइलेंसर देख सकते हो, डार्क लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा नया जैसा लग रहा है। और ये फ्रंट का पोर्शन भी आप देख सकते हो, एकदम शाइनी और ग्लॉसी। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे भी मैंने पॉलिश अप्लाई किया है। ओवरऑल पूरा बाइक पे मैंने पॉलिश अप्लाई किया है। किसी भी पार्ट पे आप पॉलिश अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पॉलिश नहीं अप्लाई किया है, आप देख सकते हो ये वैसा ही है। यहाँ पर मैंने भूल गया है पॉलिश अप्लाई करने के। सो आप इस पार्ट पे और इस पार्ट पे आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नॉन पॉलिश पार्ट है। अगर यहाँ पर मैं पॉलिश अप्लाई करूँगा तो इंस्टेंट चेंज आ जाएगा, आप देख सकते हो ऐसे। एज यू कैन सी यहाँ पर एक इंस्टेंट चेंज आ गया है। यहाँ पर जो छोटा मोटा जो स्क्रैचेस है बाइक पे, छोटा मोटा जो स्क्रैचेस है, या अगर आपके पास कोई एक इंस्टेंट एक ग्लॉसी लुक आ चुका है। सो अगर आपके बाइक पे छोटा मोटा कोई स्क्रैचेस भी है, या अगर आपके पास ग्लॉसी बाइक है जिसमें छोटा मोटा स्क्रैचेस लग जाता है, ऑनलाइन स्क्रैचेस, सो उस स्क्रैचेस को भी ये पॉलिश टोटली रिमूव कर देता है। बट फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, जब आप बाइक को फिर से वॉश करोगे, जब आप हेविली वॉश करोगे बाइक को फोम से या साबुन से, तब वो स्क्रैचेस फिर से विजिबल हो जाएगा। बट तब तक आपका बाइक एकदम नया जैसे लगेगा। और सभी पार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो इस पॉलिश को। सो ये रहा वो पॉलिश और ये रहा एप्लीकेटर। और ये जो पॉलिश है, इस पॉलिश का बेस्ट पार्ट है ये डस्ट अट्रैक्ट नहीं करता है। जब आप बाइक पे अप्लाई करोगे तब ये किसी भी तरह का डस्ट अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मेरे बाइक पे, बट मेरा जो कज़न है वो यूज़ करता है, उसका जो रिव्यू है बहुत ही अच्छा है, वो रॉयल एनफील्ड पर यूज़ करता है। सो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। सो या दिस इज़ द पॉलिश एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। सो आई होप ये वीडियो में थोड़ा सा बहुत नॉइज़ आएगा, क्योंकि रास्ते के पास में एकदम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाइक का नॉइज़ या हॉर्न का नॉइज़, ये जो हॉर्न का नॉइज़ वो सब आएगा। बट स्टिल अभी मैं थोड़ा वीक हूँ, इसीलिए घर के अंदर ही वीडियो शूट किया। और आज मैं आपको बाइक चला के नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मैं टोटली फिट कंडीशन में नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई होप मैं आपको बाइक चला के दिखाऊँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, कि इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सो अगर ये प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, 150 रुपीज़ का है, 250 ml का एक बॉटल है, उसके साथ जो एप्लीकेटर है वो फ्री में लगा आपको। सो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट का लिंक। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है वो दबा के रखिए, उसे ऑल पर सेट करके रखिए, कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। मिलते हैं आपसे कोई नया वीडियो लेके, कोई नया इंफॉर्मेटिव या टूरिंग या कोई ऐसा कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्प्रेड लव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।